लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं, इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। स्वागत है दोस्तों। राजस्थान में कांग्रेस की आंधी और एक तरफा अशोक गहलोत की लहर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भीलभाड़ा में किसान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ खड़गे भी बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्लियामेंट सेशन बुला लिया, अभी तक पता नहीं क्यों बुलाया गया है, गुप्त रखा गया है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। पर लोकतंत्र में क्या आप विपक्ष को, देशवासियों को बताओगे नहीं कि पार्लियामेंट का अधिवेशन क्यों बुलाया गया है? आप सोच सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशियल पर दबाव है, ये हालात देश के बन चुके हैं। हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते हैं कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया आप बोलिए? जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया। हम कभी भी झूठ नहीं बोलते, लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे, उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के रास्ते भी खोल दिए। ये है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। और अभी अभी नया मुद्दा जो पूरे देश में तूल पकड़ा हुआ है, इंडिया का नाम भारत करने का, इस पर भी खड़गे जमकर बरसे। खड़गे ने कहा कि हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा भारत तोड़ो कहते हैं। अब इधर उधर इंडिया की जो ऑल पार्टी मीटिंग थी, हमने सबको मिलाकर इकट्ठा करके एक मजबूत संगठन बनाया जिनका नाम इंडिया रखा। यह नाम देखकर वो घबरा रहे हैं, और आप इंडिया छोड़ दो, आप भारत नाम रखो। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए, और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आगे कहा कि संविधान में इंडिया मतलब भारत, ये दोनों शब्द हैं। भाई आपको क्या इतराज, हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान में है इंडिया मींस भारत, ये दोनों शब्द हैं। भाई आपको क्या इतराज, हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये संदेश 4,500 किलोमीटर तक फैलाया, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, और आप लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक शायरी भी कही। आप भी खड़गे का भाषण अंत तक देखें। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने, रैबर के इशारे पर
रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो, फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। जहाँ भी मोदी साहब जाते हैं तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा मिला। फिर कौन झूठे, क्या मोदी झूठे, क्या आप झूठे? तो मैं पूछता हूँ 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी 2 गुनी, वो तो गया ही चलेगा। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूँ, टेररिज्म खत्म करता हूँ। आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। कांग्रेस अध्यक्ष के इस भाषण पर अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आपने तत्काल मीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, हम आप तक ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।